एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। क्या क्या दे रखा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है जो अपने पास में कहाँ पे है, पॉइंट ग्राउंड के ऊपर, तो ये ग्राउंड मान लेते हैं और ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और जो अपने पास में ये टावर का क्या हो गया, फुट हो गया ये टावर का, ठीक है, टावर का फुट। और जो अपने पास में ये पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रखा है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी देर के आपको, वो देर के आपको 30 मीटर, कितनी देर के 30 मीटर, ये आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। मैं ट्राइंगल को नेम दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है, ये दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है, जिसको अपन एच मान लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से इसकी हाइट क्या मान ली अपन ने, एच मान ली। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन ने क्या माना है वो लिख देते हैं, लेट लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी, ठीक है, हाइट ऑफ टावर ए बी है, जिसको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, हाइट को क्या मान लिया अपन ने, एच मीटर मान लिया, ठीक है। अब अपने पास में क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन देर का 30 डिग्री और बी सी की वैल्यू कितनी देर की, 30 मीटर, बी सी इज इक्वल टू कितना देर का आपको, बी सी इज इक्वल टू देर का 30 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थीटा की वैल्यू आपको कितनी देर की, 30 डिग्री, कितनी देर की 30 डिग्री। बच्चों अब क्या करना है, एक चीज़ जो आपको फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है आपको, ए बी, ठीक है, एक चीज़ आपको गिवन है, क्या गिवन है, बी सी, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल लो, ठीक है। तो अपने पास में एक तो ए बी तो आपको फाइंड करना है और बी सी आपको गिवन है, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए ये थीटा हो गया तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, थीटा के सामने में से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ए बी अपने पास में कितना है, ए बी हो गया अपने पास में परपेंडिकुलर और बी सी क्या हो जाएगा अपना, बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस क्या बन जाता है बच्चों, टेन थीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, टेन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई एच, ठीक है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 30, ठीक है, ये 10 की जगह 10, थीटा की वैल्यू कितनी देर की आपको, थीटा की वैल्यू देर की 30 डिग्री, कितनी देर की है 30 डिग्री, ठीक है। एच अपॉन 30 इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 30 होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एच को तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 1 से, यानी अपन रूट थ्री से तो किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एच से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से, ठीक है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास में रूट थ्री, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये 30 × 1 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट थ्री, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करें, देखो जो अपने पास में नीचे की वैल्यू है वो अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये 30 सेम लिखा मैंने, रूट थ्री लिखा, अगर सिंगल अपने पास में डिजिट है, सिंगल डिजिट है रूट के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, इससे एक बार अपन मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री से, और इसी से अपन एक बार डिवाइड कर देंगे, इससे अपने पास में इस क्वेश्चन के जो अपने पास में वैल्यू, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये हो गया एच इज इक्वल टू 30 × √3, 30 × √3 क्या हो जाएगा, 30√3, और रूट थ्री और रूट थ्री कितना बन जाता है, 3 बन जाता है, ठीक है, 3 से मैंने इसको कट किया कितने टाइम, 10 टाइम, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच आ गई अपने पास में 10√3 मीटर, ये आ गई अपने पास में हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।